जय हिंद दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग में जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, उस एग्जाम में जो जो प्रश्न 18 नवंबर को आए हुए थे तीनों शिफ्ट में, उन्हीं का हम कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं और इसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा जो जीएस है, मैथ है और ये हिंदी है, उसके तुलना में रीजनिंग जो है थोड़ा टफ आ रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे टफ कैसे है, आप कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम से वीडियो मिलता रहे। अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता के एकलौती बहन की बेटी है। महिला का पुरुष से क्या संबंध था? ऑप्शन है मदर, आंट, सिस्टर, कजिन सिस्टर। ये प्रश्न जो है रिलेशन में का है और ये बहुत आसान होता है। वह मेरे पिता की एकलौती, भाई मेरे पिता माने अपने को ले लीजिए, तो आपके पिता की एकलौती बहन क्या होगी? आपकी बुआ होगी। जो आपके पिताजी हैं उनके एकलौती बहन क्या होगी? तो आपकी बुआ होंगी। एकलौती बहन की बेटी यानी बुआ की बेटी। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? माने आपसे उस बेटी लड़की का संबंध है जो महिला है, जो बेटी है, क्योंकि वो आपके पिता की बहन यानी आपकी बुआ की बेटी है। संबंध क्या होगा? कजिन सिस्टर का हो जाएगा, यानी वो आपकी कजिन सिस्टर होगी। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। देखिए श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, ये मिसिंग नंबर का है, श्रृंखला में का मिसिंग नंबर का है, तो देखते हैं। आइए, 2, 3, 6, 10, 17 जब भी श्रृंखला वाला ऐसे आता है आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए थोड़ा सा, ये दिया है 2, 3, 6, 10 और 17, फिर यहां क्या होगा नहीं पता, कुछ नहीं। पहला काम आपका होता है कोई भी श्री दे पहले अंतर निकालिए, मतलब इनका अंतर या योगफल निकालिए, जो भी है अंतर निकालिए। यहाँ एक का अंतर है, यहाँ पे तीन का अंतर है, यहाँ पे चार का अंतर है, यहाँ पे सात का अंतर है, यहाँ पे अंतर नहीं पता है, अभी हम पता करें तो हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्रम मिल रहे हैं, क्रम का नहीं चल रहा है पता, क्रम कैसे है, न अभाज्य है न किसी के वर्ग है, तो क्या करें? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और स्टेप समझने का प्रयास करिएगा। तो इन दोनों का जोड़ 4 है, फिर इन दोनों का जोड़ 7 है, इन दोनों का जोड़ ये क्या रहना चाहिए, 11 रहना चाहिए। जिस प्रकार 2 में 1 जुड़कर 3 हुआ है, 3 में 3 जुड़ा है 6 हुआ है, 6 में 4 जुड़ा है 10 हुआ है, 10 में 7 जुड़ा है 17 हुआ है, 17 में 11 जुड़ेगा तो जाएगा 28 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 को। 4 संख्याओं में से 3, 4 संख्याएं दिया हुआ है, 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से किसी निश्चित गुण के माध्यम से समान है और एक जो है अलग है। वह संख्या चुनिए जो अन्य से अलग है, मतलब दी गई 4 ऑप्शनों में से 3 किसी न किसी गुण के माध्यम से एक समान होंगे, जबकि एक अलग होगा, उसी को चयन करना है। ठीक है, आइए देखते हैं यहीं पे इसको हम लोग क्या देख रहे हैं। आप इसको वीडियो पुश करके खुद लगाने का प्रयास करिएगा। आइए हम देखते हैं इसको, देख क्या किया है, ये इन किनारे वाले को गुणा किया और हाफ कर दिया है, 8, 6, 48 और हाफ हो जाएगा 24, ठीक है, बीच में आ जाएगा। वैसे ही इनका क्या किया है, गुणा किया है, 7, 6, 42 और 42 का जो है हाफ कर दिया है, कैसे आ गया है 5, 6, 30, 30 का हाफ किया है 15 आ गया है। वैसे यहां पर भी होना चाहिए था 7, 6, 42 का आधा 21 होना चाहिए, 21 है नहीं, यानी ऑप्शन यही क्या है, इन तीनों से अलग है, ऑप्शन सही जाएगा ये वाला। फोर्थ प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर के समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा अक्षर पहले अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब इसका ये हुआ कहने का सिंपल मतलब,
कि जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध इनमें इनमें होना चाहिए। अब यहां पे वही संबंध रखने वाला क्या हो सकता है इन चारों ऑप्शनों में से, देख लीजिए क्या हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, पहली बात कि आप जब भी अक्षर के रूप में चाहे समवर्ग समदर्शिता का सवाल आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, अक्षर प्रयोग किया अंग्रेजी के, तो आपको नंबरिंग आना चाहिए। नंबरिंग मतलब कौन सा अक्षर किस स्थान में है अल्फाबेट के अंदर, है ना। तो आपको याद रहना चाहिए जी पढ़ता है 7 पर, आई पढ़ता है 9 पर, और के पढ़ता है 11, है ना, और पी पढ़ता है 16 पर, और आर पढ़ता है 18 पे, और टी पढ़ता है 20 पर, ठीक है ना। तो देख लीजिए इन दोनों में क्या संबंध है, ये 7 था और क्या 16 बन गया, 9 जुड़ गया, 9 जुड़ गया, ये 9 था 18 हो गया, 9 जुड़ गया, 11 था 20 हो गया, 9 जुड़ गया। मतलब कहने का कि जो अक्षर यहां प्रयोग की जा रही है उसमें 9 जोड़कर जो पद हमको मिल रहा है, जो अक्षर मिल रहा है, वही हम लिख दे रहे हैं। तो डी का होता है 4, एफ का होता है 6, और एच का होता है 8। 4 में जोड़ेंगे आप 9, तो यह 9 4 13, और 13 क्या होता है एम होता है अक्षर। फिर 6 है एफ का वैल्यू, 6 में आप 9 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 का क्या होता है ओ होता है, और एच 8 है, 8 में 9 जोड़ेंगे 17 आएगा, 17 क्या होता है क्यू होता है, एम ओ क्यू। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही, देखिए एम ओ क्यू, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरी वस्तु पहली संख्या संबंधित है, मतलब इसी टाइप का सवाल ये भी है। इसे कहते हैं हम लोग समदर्शिता, समदर्शिता बोलते हैं इसको। देखिए जो संबंध 55 का 11 से है वही संबंध इसका भी इससे होना चाहिए, और यहां पे क्या रहेगा हमको ये पता करना है इस ऑप्शनों में से। तो ध्यान से देखेंगे आप वीडियो को पुश कर लीजिए और स्वयं लगाइए, फिर देखिए वीडियो चला करके आगे कैसे लगाया गया। ये सब परीक्षा में आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं लेवल क्या है, आपको आइडिया मिल रहा होगा लेवल क्या है, आपको कितना अभ्यास और करना है। ध्यान दीजिएगा इसमें हो क्या रहा है, 11 से ये कट जा रहा है 5 बार में, मतलब 11 से 5 बार में ये कट रहा है, तो इनमें से कौन संख्या ऐसी है इसे भी 5 बार में कट जाए। तो 25 ना है, का है 25, 25 से का होगा ये 5 बार में कट जाएगा, ऑप्शन कौन होगा ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 5 देख लीजिएगा, ये भी क्या है इस टाइप का ही प्रश्न है जो ये दिया था, 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित संख्या से, एक निश्चित तरीके से, एक निश्चित गुण से एक समान है, और उसमें से एक जो है तीनों से अलग है, उस अलग कोई छांटना है। देखिए इसमें से कौन सही होगा, फुटबॉल दिया है, बास्केटबॉल दिया है, क्रिकेट बॉल दिया है, और वॉलीबॉल दिया है, इसमें से कौन ऑप्शन जो है, कौन सा ऑप्शन है जो 3 ऑप्शन से अलग है। इस सवाल में बहुत फंसेंगे आप, लेकिन आसान भी है, देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये बॉल की बात कर रहा है, ये बॉल की बात कर रहा है, तो बॉल में कुछ छिपा हुआ है, बॉल में कुछ छिपा हुआ है ना, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल तीनों क्या होते हैं बड़े आकार में होते हैं, क्या होते हैं बड़े आकार में होते हैं। क्रिकेट बॉल क्या होता है तो छोटा होता है आकार में, इसलिए क्या है ये क्रिकेट बॉल अलग टाइप का हो गया, तो ये क्या हो गया ऑप्शन सी, सी ही क्या है तीनों से अलग है। विश्वास करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही और प्रश्नों को 19, 20, 21 जो प्रश्न परीक्षा होते जा रहे हैं सारे शिफ्टों का हम मैथ रीजनिंग और साथ में जीके और हिंदी को भी डालता रहूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, शेयर भी कर दीजिएगा। फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।